एक माफिया जिसका 40 साल चला साम्राज्य, एक बाहुबली जिसका 26 साल का सियासी सफर, एक अपराधी जिसका सियासी गढ़ रहा मऊ, एक डॉन जिसका पूर्वांचल के कई लोकसभा सीटों पर दबदबा, वो था मुख्तार अंसारी। उसकी 7 साल पहले हुई उल्टी गिनती शुरू। पच्चीस साल की उम्र में पहली FIR। कभी क्रिकेट की दुनिया का ऑलराउंडर रहा मुख्तार अंसारी 80 के दशक में साधु मकनू गिरोह में शामिल हो गया। साल 1988 में पहली बार क्राइम की दुनिया में मुख्तार का नाम आया। आरोप था मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या का। इसी दौरान पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई। इसमें भी मुख्तार का ही नाम सामने आया। तैतीस साल की उम्र में पहली बार MLA बना। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी ने राजनीति में कदम रखा। साल 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा पहुंचा। राजनीति में मुख्तार का रुतबा इसी से समझा जा सकता है कि अपने 26 साल के राजनीतिक जीवन में मुख्तार अंसारी को सिर्फ एक बार ही हार का सामना करना पड़ा, और वो था 1994 का गाजीपुर उपचुनाव। मुख्तार अंसारी ने 5 बार विधानसभा का चुनाव जीता था। मुख्तार को मिला था राजनीतिक संरक्षण। मुख्तार पर एक्शन लेने से बचती थी पुलिस। एक्शन लेने वाले अधिकारियों का होता था ट्रांसफर। मुख्तार को मिले राजनीतिक संरक्षण की गवाही देते हैं 1991 बैच के PCS अधिकारी शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने 2004 में UPSTF के DSP रहते हुए एक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोटा के तहत केस दर्ज करने की सिफारिश सरकार को भेजी थी। शैलेंद्र सिंह दावा करते हैं कि राजनीतिक कारणों की वजह से तत्कालीन सरकार की ओर से मुख्तार पर से मुकदमा हटाने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है, और उस पर पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रेजेंट कि नहीं, ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। कार्यों प्रेशर बनाया, जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, DIG रेंज का ट्रांसफ़र, SSP STF हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद। 2017 से योगी सरकार के रडार पर था माफिया मुख्तार। लंबे वक्त तक मुख्तार अंसारी पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का संरक्षण रहा। जेल में रहते हुए 2017 में आखिरी बार मुख्तार अंसारी ने विधानसभा चुनाव जीता। 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को दी गई, और उसके बाद से ही उसके जुर्म के साम्राज्य के पूरे दिन शुरू हो गए। योगी सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का ही असर था कि मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में जा छिपा और वहां से UP आने को तैयार नहीं था। मुख्तार को UP लाने के लिए योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। एक तरफ मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की कोर्ट में प्रभावी पैरवी शुरू हुई, तो दूसरी तरफ माफिया के जुर्म के साम्राज्य को ध्वस्त करने पर एक्शन शुरू हुआ। इसके बाद यूपी में बुलडोजर की गर्जना सुनाई देने लगी। मुख्तार के गैंग के 292 सहयोगियों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। 160 मुकदमे भी दर्ज किए गए। इनमें से 186 सहयोगियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल तक भेज चुकी है। वहीं 5 शूटर पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। योगी सरकार में मुख्तार अंसारी के करीब 2100 से भी ज्यादा अवैध कारोबार बंद कराए जा चुके हैं। सरकार के इस जबरदस्त एक्शन में मुख्तार अंसारी से संबंधित 605 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।
मुख्तार अंसारी की मौत पर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी पुलिस के पूर्व अधिकारी मौत पर उठ रहे सवालों को बेबुनियाद बता रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशन मेडिकल ग्राउंड पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। यानी वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। कभी अपराध का पर्याय रहे मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत के बाद पूर्वांचल में जरायम की दुनिया का काला अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया।